आपका जन्म तो अत्यंत महान कार्य के निष्पादन के लिए हुआ है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नियति का लिखा है आपके ललाट पर। आपको लड़ना है अपनी मातृभूमि के लिए, किंतु सरल नहीं है। इस मार्ग पर चलते हुए ऐसी भीषण आपदा का सामना आपको करना है। किंतु इस आपदा का सामना करते हुए हमें दिख रहा है एक अत्यंत विनाशकारी पराजय। किस विध्वंस, किस आपदा, किस विनाश, किस हार की बात कर रहे हैं आप गोस्वामी जी? वो जब भी होगा आप स्वयं को ज्ञात हो ही जाएगा। आपको दीक्षा चाहिए ना? यही है हमारी दीक्षा, कि आप तुरंत चित्तौड़ लौट जाएं। आपके पिता को आपकी आवश्यकता है कुंवर प्रताप। गोस्वामी जी, हम समझ गए, जन्म से ही एक व्यक्ति के लिए उसके कर्मों का निर्धारण हो जाता है। हम समझ गए हैं कि नियति ने हमारे लिए संन्यास नहीं, मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करना ही लिख दिया है। गोस्वामी जी, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे, सदैव। राम जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। कीर्तिवान जाइए कुंवर प्रताप, आपकी मातृभूमि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे बस कीजिए बेगम साहिबा, गुदगुदाना और हम मर जाएंगे हम हंसते हंसते। या अल्लाह, फिर कभी अपनी जुबान पे ऐसे बदसुकनी अल्फाज मत लाइएगा। अच्छा नहीं लाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा वजन हमारे पैरों पर डालें। जी वैसे आपके पैरों पे वजन तो अब हम पीर बाबा के दीदार के बाद ही डालेंगे। और वो क्यों? क्योंकि पीर बाबा के यहाँ तो नंगे पैर चलना पड़ेगा ना। क्या हुआ, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, चलेंगे नंगे पाँव ही चलेंगे। बहुत बड़े आलिम हैं, आपकी जो भी दुआएं होंगी, जो भी मन्नतें होंगी, वो तो सब पूरी हो जाएंगी। सलीमा बेगम, आप यहाँ? शहंशाह अजमेर से वापस आ गए हैं क्या? नहीं, उनकी बात छोड़ी, हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं।
हमसे क्या चाहिए आपको सलीमा बेगम? हमारे जज्बातों के साथ आप जितना खेलना चाहती थी खेल चुके। करेंगे मुझसे शादी? शादी? ये क्या मजाक कर रही हैं आप सलीमा? या फिर से कोई चाल चल रही हैं आप हमारे साथ? ना कोई मजाक, ना कोई चाल, ये हमारा अच्छी तरह सोचा समझा फैसला है। लेकिन इससे पहले कि आप हाँ कहें, हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको इसी लम्हे के बाद जो भी पहली चांद तारीख मुनासिब मिले फौरन हमसे आपको निकाह पढ़वाना पड़ेगा। कबूल है? महफूज खान साहब काफी करीब हैं शहंशाह अकबर के। हाँ सही सुना है। ये वो भाई काशी में क्या कर रहे हैं? कैसे आना हुआ कोई बता? आप आयुष्मान अभव आचार्य जी, आपने हमें बताया नहीं कि मुगल काशी भी पहुंच गए। तो आपको मुगल देखने लग गए कुंवर प्रताप। अर्थात? अर्थात आपके मन पे छाया वैराग्य भाव हट गया है और आपके अंदर का वीर योद्धा पुनः जाग गया है। कुंवर प्रताप हम कुछ समझे नहीं। कुंवर प्रताप मुगल सैनिक तो हैं तब भी थे जब आप पहले यहां आए थे, किंतु तब आपको दिखाई नहीं दिए। तब आपका लक्ष्य था वैराग्य और अर्जुन की भांति आप अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ थे। और यदि अब आपको मुगल सैनिक दिख रहे हैं तो हमें इस बात की संतुष्टि है। इस धरती को अपना खोया हुआ वीर पुत्र पुनः मिल गया है। किंतु ये मुगल यहाँ आए कैसे? मुगलों को यहाँ आया भी अधिक समय नहीं हुआ। एक एक कर रियासतों पर विजय पाने के पश्चात मदमस्त हाथी की भांति अकबर काशी की ओर बढ़ा। उसका प्रवेश रोकने के लिए काशी नरेश ने मुख्य द्वार बंद करने का आदेश दे दिया। तोड़ दो काशी का दरवाजा।
सेवा करूंगा। ऐसा नरसंहार काशी ने इससे पूर्व कभी नहीं देखा। उस समय आपकी माता देवंताबाई जी भी हैं थी, वो भी इस नरसंहार की साक्षी थी, किंतु सफलतापूर्वक तो यहां से निकलने में सक्षम रहे। मुगलों का विनाश। आपके दीदारे पाक से बहुत खुशी मिली है बाबा। तू कौन? मैं कौन? जो भी है फकत अल्लाह है, उसी का नूर हर जर्रे में है, उसी का जलवा हर इंसान में है, उसी का करम उसी की रहम है, बाकी सब देने वाले तो वो है, हमारे श्री राम, वही सबके दाता आता है। हम सब भिखारी हैं उनके दरबार पर। जो भी तेरे पास है वो तेरा नहीं है, सब उसी का दिया हुआ। रहम दिल बन, हर इंसान पे रहम, तेरे दिल में रहम, फिर देख कैसे तेरी तरक्की होती है, हर कामयाबी कैसे तेरे कदम चूमती है। जा अल्लाह तुझे फतेह याद रखे। आमीन आमीन। क्या सोच रहे हैं बैरम खान, करेंगे हमसे शादी? क्या सोच रहे हैं बैरम खान, करेंगे हमसे शादी? कल ही आपसे निकाह करेंगे। मुगलों के विनाश का आरंभ अब इस पावन धरती से ही होगा। रुक जाइए कुंवर प्रताप, भूल गए आप तो स्वामी तुलसीदास जी ने आपसे क्या कहा था? कीर्तिवान जाइए कुंवर प्रताप, आपकी मातृभूमि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तुलसीदास जी त्रिकाल दर्शी संत, अवश्य उन्होंने कुछ देखकर आपसे चित्तौड़ जाने के लिए कहा होगा। आपको इसी क्षण चित्तौड़ चले जाना चाहिए। यदि समस्त राजपूताना एक हो जाए, सुदृढ़ हो जाए, तो पूरा भारतवर्ष इस समस्या से मुक्त हो जाए। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैं गर्भवती हूँ, हे भाई मुझे बचाओ, हे भाई मुझे बचाओ, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे तो बचाओ, हे भाई मुझे बचाओ, अरे मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ, छोड़ दो मुझे, मत बचाओ। आगे मत बढ़ना,
आगे मत बढ़ना नहीं तो मार दूंगी। मैं कह रही हूँ आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, मार दूंगी। मैं कह रही हूँ आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, मार दूंगी। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। देखो अब मैं क्या करता हूँ, मजा तो अब आएगा। पीछे आके खड़े हो जाए। स्त्री पर अत्याचार करते हो, हम बताते हैं हम कौन हैं। तुम्हारा विनाश। आप हमारे पीछे आ जाएंगे। मारो इसे। अरे है कौन तू, तू जो अपनी मौत को बुला रहा है। स्त्री पर अत्याचार करते हो, हम बताते हैं हम कौन हैं। तुम्हारा विनाश। कभी पीछे से वार नहीं किया करते, करना ही है तो सामने से वार करो।
पति को देखने के मंतजर हैं? जी नहीं, आप अपने दीवाने खास में तशरीफ लेकर जा सकती हैं। हमें जरूरी काम है, आप जाएं जाकर आराम करें। जाओ और जाकर वो रंगीन तोता लेकर आओ सलीमा की बारहादरी में। सलीमा, शहंशाह का इकबाल बुलंद हो ये तोता, आप इसे वहां रखते हैं। किसे ढूंढ रहे हैं जलाल? लाहौल विला कुवत, हम बिना कभी कभी कैसी नासमझी की बातें पूछ लेते हैं आपसे। अब सलीमा की बारादरी में आप रुकैया बेगम को थोड़ा ही ढूंढ रहे होंगे। कहीं वे वापस तो नहीं चली गई हमसे पूछे बिना? जलाल, अब सलीमा वो कोई परिंदा तो है नहीं जो आप उन्हें पिंजरे में कैद करके रख देंगे ताउम्र? उन्होंने वही किया है जो उन्हें मुनासिब लगा। हम कुछ समझे नहीं। बैराम खान और सलीमा का निकाह पढ़ा जा रहा है अभी। इन हवाओं की आंख में चोली देखने के लिए तो हमें यहाँ रुकना ही पड़ेगा। हम तो बस ये देखना चाह रहे थे कि आपके दिल में इतनी कशिश है हमारे लिए। कहाँ है वो? इसी महल में। ए, रुको, किसने की तुम्हारी ये हालत? किसने किया ये सब? हम पूछ रहे हैं किसने किया ये सब? हम पूछ रहे हैं किसने किया ये सब? बताओ किसने किया? चुप क्यों हो? बताओ। हम बताते हैं आपको। हाँ बताओ, बोलो, फौरन बोलो। किसने ऐसी जरूरत की? कौन था वो? अगर उसकी चमड़ी उधेड़ के ना रख दी, नाम असलम खान नहीं मेरा। हाँ हाँ, आप अवश्य चमड़ी उधेड़ देना, तो पहले पूरी कहानी तो सुन लो। कहानी? कैसी कहानी? अरे उसी की कहानी जिसने ये सब किया है। मतलब? मतलब एक 14 वर्ष का बालक था जिसने एक दिन देखा कि उसके घर के सामने शत्रुओं का झंडा लगा हुआ था, तो क्रोधित हो गया। उसने अपनी माँ की भी नहीं सुनी, पिताजी की भी नहीं सुनी, और यहाँ तक के राजा के आज्ञा की प्रतीक्षा भी नहीं की। वो सीधा निकल पड़ा शत्रुओं को हराने, और शत्रुओं को हरा कर अपनी मातृभूमि से उनका झंडा उखाड़ दिया और अपना झंडा लगा दिया। अब सोचो, वो बालक बड़ा हो गया है और आप बाहर वाले उन्हीं के सामने हमारी माताओं बहनों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करोगे, तो सोचो क्या होगा आपके साथ। अरे कहाँ है वो चूहा? कहाँ है? कहाँ है?
देखा, हमारे सामने नहीं आ रहा है, हमारे खौफ से डर गया है। बस एक बार मेरे सामने आ जाए, खुदा कसम उसे मसल के रख दूंगा। आप अभी भी समझे नहीं, यदि एक चिड़िया अपने घमंड में छुरो कर उड़ती है और उसके सामने बड़ा पर्वत आ जाए तो उस चिड़िया क्या सोचती है? यही ना कि चीर के निकल जाएगी उस पर्वत को, है ना? लेकिन होता क्या है? होगा क्या, चिड़िया पहाड़ से टकरा जाएगी और उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। आप थोड़े समझदार हो, बस यही समझ लीजिए कि इस कहानी की चिड़िया आप। क्या मतलब, और पहाड़ कौन? पहाड़, सिंह के पुत्र चित्तौड़ के कुंवर कुंवर प्रताप सिंह। जनाब बैराम खान साहब, क्या आपको सलीमा बेगम के साथ ये निकाह कबूल है? हमें कबूल है, कबूल है, कबूल है। सलीमा बेगम, क्या आपको बैराम खान के साथ ये निकाह कबूल है? सलीमा बेगम, कि आपको बैराम खान के साथ ये निकाह कबूल है? मलिका हिंदुस्तान रुकैया बेगम की नजर आप पे ना पड़े, इस बात का ख्याल रखने की हिदायत दी गई है हमें। जब जलाल को पता चलेगा कि अब आप उनकी नहीं किसी और की अमानत है तो पगला जाएंगे वो। बैरम खान की हो जाएंगी तो जलाल आपको पाने के लिए तड़पेंगे। हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। विजय खान बाबा पागल हो जाएंगे वो गलत फहमियों में टूट के। पागल तो हम हो रहे आप गिरे।
अजब दे लग रही हैं आप। हमें कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि आपके साथ अपना भरपूर जीवन जीने के लिए हमें एक साधारण व्यक्ति के रूप में जन्म लेना चाहिए था। फिर हम भी किसी अन्य साधारण जन की भांति आपके साथ अपने छोटे छोटे दुख, छोटे छोटे सुख बांट पाते, छोटे छोटे उत्तरदायित्वों को निभाते हुए बिना भ्रम के, बिना किसी चिंता के आपके साथ अधिक समय बिता पाते। कितना सुखमय होता ना जीवन। नहीं, हम अभी भी तो सुखी है। अजब दे, अब हमारे देश को हमारी आवश्यकता है। हमें शीघ्र ही चित्तौड़ वापस लौटना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने हमें मार्ग दिखा दिया है। आपका ये मार्ग कदापि सरल नहीं है कुंवर प्रताप। इस मार्ग पर चलते हुए ऐसी भीषण आपदा का सामना आपको करना है। अजब दे, हम अपनी निजी निराशाओं में उलझ गए थे। हम मात्र अपने बारे में ही सोच रहे थे, किंतु अब अपने देश के बारे सोचने का समय आ गया है। अपने देश में घुसे हुए आक्रमणकारियों को, उस बेटियों को बाहर निकालने का समय आ गया है। अपने देश को बचाने का समय आ गया है। अब सामान बांध लीजिए, हम शीघ्र ही यहां से निकलेंगे। कुंवर प्रताप, आप जैसा चाहते हैं हम बिल्कुल वैसी ही तैयारियां करेंगे, परंतु हाँ, यहां से निकलने से पहले हम एक बार लीला मौसी से मिलना चाहते हैं। उनसे मिलकर हम अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं। क्यों नहीं, उन्होंने हमारी बहुत सहायता की है। हम भी चलते हैं आपके साथ। अब बताओ कहाँ चित्तौड़ का शहजादा? अरे दया करो हम पर, मत मारो इन्हें, छोड़ दो मेरे पति को। तो फिर तू ही बता दे कहाँ है वो। कौन सिपाही जी? चित्तौड़ का शहजादा, लोगों ने देखा है उसे तुम्हारे साथ। अरे हम तो जानते भी नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। किसको देखा है लोगों ने हमारे साथ? प्रताप नाम है उसका। हमें कुछ नहीं मालूम। ये ऐसे नहीं बताएगा, ले चलो उसे हमारे साथ। नहीं, 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 मत लेके जाओ मेरे पति को, मत लेके जाओ। मेरे पति को। असी, क्या हुआ? उठिए, आइए उठिए। क्या हुआ? महफूज खान के सिपाही आए थे, बड़ी निर्दयता से मारा वैद जी को। वो उन्हें उठा कर ले गए। पर क्यों? वो चित्तौड़ के कुंवर प्रताप को ढूंढ रहे थे।
केवल एक ही प्रताप को जानते और वो है आप। हमें क्या पता तोड़ के खून प्रताप कौन है, पता नहीं वो क्या हाल करेंगे वैद्य जी का। क्या आप जानती हैं महफूज खान को? मैं क्या, उसे तो पूरा काशी जानता है, बहुत ही दुष्ट और निर्दयी है वो। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे कहाँ है प्रताप? नहीं, मुझे नहीं मालूम। रुक जाओ। कोई नहीं मारेगा इस वैद्य को। जुग जुग जियो। मुस्कान जी, आपने आज मेरी जान बचाई। ना 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 ना, जान नहीं बख्शी हमने आपकी, जान तो हम आपकी लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। लाओ हमारे चूहों को, हमारे चूहे कई दिनों से भूखे हैं वैद्य जी, हमारे चूहों की भूख मिटाए। आप घबराइए मत, महफूज खान जो भी हो, हम हर मूल्य पे आपके पति को उसके चंगुल से छुड़ा कर लाएंगे। आप उन्हें कैसे छुड़ा कर लाएंगे? वो तो बहुत बहुत शक्तिशाली और बहुत निष्ठुर है। क्योंकि वो जिसे डर से रहे हैं, वो हम हैं। हम जी जी हम ही हैं। हम ही हैं। चित्तौड़ के कुंवर प्रताप, कभी आपसे कहने का अवसर नहीं मिला। हमने आपको मौसी कहा है, मौसी माँ समान होती है, तो हमें भी अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। कुछ नहीं होगा आपके पति को, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा दे, इनका ध्यान रखिएगा, हम आते हैं। आपको मौसी, अपना, अपनी जीजा का पूरा ध्यान रखना है। जी। तकरबानी, हम इन मुगलों के शहंशाह तक को भी एक खुद संदेश पहुंचा दूंगा। चलिए हमारे साथ। नहीं, नहीं, बचाओ, 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 बचाओ। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। जनाब बैरम खां सलीमा बेगम के साथ हुजूर के दीदारे मुबारक के लिए तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह, हमारी बेगम। शादी मुबारक हो खान बाबा। शुक्रिया शहंशाह, बहुत बहुत शुक्रिया। शादी मुबारक हो।
तो जाफना का मुंह मीठा नहीं कराएंगे? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं कराएंगे, जरूर कराएंगे हम अपने जलाल का मुंह मीठा। बस यूं गए और यूं आए। जापना, आप शायद भूल रहे हैं कि अब हम किसी और की शरीके हयात बन चुकी हैं। खुदा के लिए हमें छोड़ दीजिए। मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए सलीमा। लगता है बावची राज, इन्होंने हमारे स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी है। सामने से ही चले? नहीं, अभी नहीं चक्र पानी। अगर इन्हें पता चल गया तो संभवतः ये रैद जी को मार भी सकते हैं। हमें पीछे जाकर सबसे पूर्व रैद जी को छुड़ाना होगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। भगवान के लिए मत मारो, छोड़ दो मुझे। रुक जाइए बैरम खान। क्या है ये? ये हमारे निकाह की खुशी में कुछ मिठाइयां हैं। शहनशाह का मुंह मीठा कराने ले जा रहे हैं। शहनशाह को खिलाई जाने वाली हर चीज को हम खुद चखकर इत्मीनान करना चाहेंगे। आप हम पे शक कर रही हैं? जी नहीं बैरम खान, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। मत कीजिए ऐसे मुबारक वक्त पर। फर्ज अदा करने के लिए वक्त नहीं देखा जाता है बैरम खान। दिखाइए क्या है। तसल्ली, अब चलें। चलो ले आओ ले आओ। लीजिए बेगम, आ गई मिठाइयां। शहंशाह इजाजत दे तो इस मुबारक दिन पे हम अपने हाथों से इन्हें मिठाई खिलाने की गुस्ताखी करना चाहते हैं। अरे ला हौल वला कुव्वत इसमें, गुस्ताखी कैसी बेगम, शौक से करवाइए मुंह मीठा इनका। और माशाल्लाह से अब तो आप इनकी चची जान हो गई हैं। चची जान क्यों जलाल? करवाइए करवाइए, शौक से करवाइए।
उसने तो मिठाई गिरा दी। हाय अल्लाह, हमारी ऐसी तकदीर ही कहाँ जो हमारी उंगलियां शहंशाह के इन मुबारक होंठों तक पहुंच सके। आप ही खिला दीजिए ना। जरूर जरूर। अब हम कराएंगे अपने जलाल का मुंह मीठा। लाओ भाई। जलाल, ये मिठाई हमने आपके लिए खास तौर से मथुरा से मंगवाई है, बहुत अच्छी है, लीजिए खाइए। क्या बदतमीजी है बड़ी अम्मी? जलाल, गलतियां हमारे हैं, हम सारी मिठाइयों को ठीक से चख नहीं पाए थे। जलाल, जरा उधर नजर डालिए। मासूम परिंदे की मौत बताती है कि मिठाई में जहर है। नहीं करोगे हमारा? कौन है तू? कसम है पाक परवरदिगार की, जलाल, हम नहीं जानते जलाल, ये सब कैसे हुआ, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि जिसने भी ये गुनाहे अजीम सर अंजाम दिया हो, चाहे वो जो भी हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम पता लगा के रहेंगे कि ये साजिश किसने की है। वादा करते हैं हम आपसे जलाल, वादा करते हैं। कोई बात नहीं खान बाबा, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ, और आप दोनों को हमारी तरफ से शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। शहंशाह, इस
जहर वाली बात के लिए हम आपसे माफी के मुंतजर रहेंगे। बड़ी अम्मी, क्या ये हमारे बुरे वक्त के आगाज का इशारा है? किसे मारा मेरे सिपाही को? कहाँ गया वैद का बच्चा? वैद जी, आप हमारी चिंता मत कीजिए, बस तुरंत सुरक्षित यहां से निकल जाइए, हम बस अभी आते हैं। चक्रवाणी, अब सामने से चलते हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा बड़ी अम्मी कि खान बाबा हमारे साथ ऐसा क्यों करना चाहेंगे। हमें लगता है जलाल कि आप इस बात को बड़ी ही गहराई से सोच रहे हैं। माना कि जिस थाल को बैराम खान ने आपके आगे किया और जिससे मिठाई उठाकर आपका मुंह मीठा कराना चाहा, इत्तेफाक से उसमें जहर मिला हो, इत्तेफाक से। मगर सोचने की बात यह भी तो है ना जलाल कि यही खास जहर इसी तरह से जाने कितनों को ही दिया होगा, मगर वो आपको ये जहर देंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बैरम खान ऐसा नहीं कर सकते, है ना जलाल? वो आपको ये जहर क्यों देंगे? हमें वाकई लगता है कि महज एक इत्तेफाक ही है। हमें कसम है पाक परवरदिगार की जलाल, हम नहीं जानते जलाल ये सब कैसे हुआ। हम पता लगा के रहेंगे कि ये साजिश किसने की है। वादा करते हैं हम आपसे जलाल, वादा करते हैं। हाँ बड़ी अम्मी, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। खान बाबा हमारे साथ ऐसा क्यों करना चाहेंगे, क्यों कर सकते हैं हमारे साथ? नहीं तो अब आप सही सोच रहे हैं। भला बैरम खान आपका कत्ल क्यों करना चाहेंगे? अब हम इजाजत चाहेंगे। भला बैरम खान आपका कत्ल क्यों करना चाहेंगे? शाबाश पीर मोहम्मद, शाबाश। शुक्रिया बेगम साहिबा, लगता है आपकी चाल काम कर रही है। अभी तो हमने जलाल के दिल में सिर्फ बीज बोया है शक का। मुकम्मल तौर पे उन्हें बैरम खान के खिलाफ भड़काने के लिए अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। इंशाल्लाह। जिसने भी ये जुर्रत की है कब तक छुपेगा वो? ढूंढ कर निकालो उसे, और अगर वो नहीं मिला तो मैं तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चलो
हो तुम? कौन हो तुम? हुजूर ये वो कैसे बताओ आपको? खामोश। हाँ बताते हैं आपको, परंतु पहले कहानी तो सुन लो। हुजूर इसकी कोई कहानी मत सुनिए, ये आपको बहला रहा है, फुसला रहा है। रे कमाल है, आपके सैनिक आपके आदेश भी नहीं सुनते। खामोश। हाँ तो 14 वर्ष का एक बालक था जिसने एक दिन देखा कि अपने घर के सामने किसी ने शत्रुओं का झंडा लगा दिया था, तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने माँ की भी नहीं सुनी, पिताजी की भी नहीं सुनी, यहाँ तक कि राज आज्ञा की भी प्रतीक्षा नहीं की, बस निकल पड़े शत्रुओं से लड़ने। और उनको हरा कर उन्होंने अपनी मातृभूमि से उनका झंडा उखाड़ दिया और अपना झंडा लगा दिया। अब सोचो वो बालक बड़ा हो गया और आप सब बाहर वाले उनके सामने हमारे माताओं बहनों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करोगे, उन्हें मारोगे सताओगे, तो सोचो वो क्या करेगा तुम्हारे साथ। हुजूर मैं आपसे कब से कह रहा हूँ इसका कोई अफसाना मत सुनिए, ये आपको फंसा देगा। खामोश। क्या कर लेगा ये चूहा हमारा, सामने तो आए हमारे। आप अभी भी समझ नहीं रहे हो, यदि एक चिड़िया अपने घमंड में चूर होकर उड़ती है और उसके सामने बड़ा पहाड़ आ जाए तो चिड़िया क्या सोचती है? यही ना कि चीर के निकल जाएगी उस पर्वत को। लेकिन होता क्या है? हुजूर मैं आपसे अभी इल्तिजा कर रहा हूँ, इसके कोई भी सवाल का जवाब मत दीजिए, खुदा कसम ये आपको फंसा देगा। खामोश। हम बात कर रहे हैं ना, क्यों फंसेंगे हम? चिड़िया अगर पहाड़ से टकराएगी तो उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। बस ये समझ लीजिए कि इस कहानी में चिड़िया आप और पहाड़ कौन है? कितनी बार समझाने की कोशिश की लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी, वो पहाड़ यही है चित्तौड़ के शहजादे कुंवर प्रताप सिंह, यही है। बस चुपचाप इसे उठाओ और ले जाओ काशी से बाहर, जाके अपने मुगल शहंशाह को बता देना ये तो मात्र कहानी का आरंभ है, इसका अंत उसके साथ ही होगा।